ओके सर, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म में शॉर्ट फिल्म देखी है, काफ़ी अलग सा नाम है, सीजन विद लव, क्या कहना चाहिए? आपने देखी फिल्म? जी हाँ। कैसी लगी आप? अच्छी लगी। तो बेसिकली आइडिया यही था कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं जिसमें एक कहानी कहें और वो कहानी ऐसी हो कि लोगों को वो अच्छी लगे। और शॉर्ट फिल्म का एक जॉनरा ऐसा है कि हमको बहुत कम समय में एक कहानी बतानी पड़ती, और हमारी यही कोशिश की थी इस कितने कम समय में हम जो कहानी बताने वाले हैं उसको बहुत अच्छी तरह बताया जाए। और लक्ष्मी ने एज अ डायरेक्टर, उसने पहले होमवर्क काफ़ी किया था, बिकॉज हमने ये कहानी एक दिन में शूट करी पूरी। जो आपने आज फिल्म देखी है ये पूरा फुटेज एक ही दिन में शूट हुआ है, 12 घंटे की शिफ्ट में हमने सारा काम निपटाया। और उस वो तभी पॉसिबल हुआ जब हम लोग का सबका जो कॉम्बिनेशन था, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे को लेकर, या केमिस्ट्री थी बिटवीन द डायरेक्टर, एक्टर्स, एवरीबॉडी, को एक्टर्स, एवरीबॉडी, वो इस लेवल पे थी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझने में या कोई भी चीज़ समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और इसीलिए हमने इस फिल्म को शूट किया इतनी जल्दी जल्दी। और ये कहानी ऐसी थी कि इनफिडेलिटी पे बेस्ड है। आजकल ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है हम लोग के नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, आजकल ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो ही इनफिडेलिटी का जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे सामने इस स्क्रीन पे दिखाया है। बट उसमें जो जो एंड आपने देखा वो एक ऐसा एंड था जो जो मेरे लिए वजह बनी ये फिल्म करने के लिए, क्योंकि वो एंड इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने कहा यार ये फिल्म तो करनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इनफिडेलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दिखाई जाती हैं, बट हाउ यू टेल द स्टोरी एंड हाउ यू एंड इट इज व्हाट यू नो मैटर्स इन अ स्टोरी, इन अ शॉर्ट स्टोरी। एक ख्वाब ने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। सीजन विद लव इज फुल ऑफ लव, आप सब जानते हैं। आज स्क्रीनिंग थी, कल हंगामा प्ले पे ये 11 बजे रिलीज़ होगी और तभी हमारे प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। अभी मैं सस्पेंस रिलीज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है ओवरऑल सबके साथ बहुत ही अच्छा रहा है। और इश्क से मारी लड़की, एक औरत, एक पत्नी क्या कर सकती है अपने पति के साथ, और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई गई है, तो वो बहुत अच्छा है और देखने लायक है सीजन विद लव में। जी मतलब जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब काफ़ी इस बारे में बातें होती हैं, ये होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रियल तो है ना, योर रिएक्शन जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई होगी। नहीं, रियल है। सी, आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, आई डोंट बिलीव इन बेचारगी और अबला नारी, बिकॉज हम लोग अब बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं, जो आपने देखा। कोशिश करता है कि, और एक अगर इसके थ्रू एक प्रोजेक्ट अगर मिलता है ऐसा कुछ अपने व्यूज को, और एज एन एक्टर यू ऑल्सो लुक अप टू सच प्रोजेक्ट्स, तो वैसे प्रोजेक्ट मिल जाए। और उसमें सुधांशु जी साथ में थे, इनके साथ रोमांस किया है ऑन स्क्रीन मैंने, तो इट्स अ वंडरफुल टीम टू वर्क विथ, और बहुत रियलिटी के करीब है। इनफिडेलिटी होता है ऑब्वियसली, बेवफाई इज देयर, सबसे बड़ी वजह बन जाती है पति पत्नी के रिश्ते में उनका जो अलगाव होता है, तो उस पर दर्शाया गया है कि एक पत्नी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करेगी। सर ऋचा जी की अभी नई नई शादी हुई है, जैसा कि पर्सनल थिंग, अरे बहुत हो गया, अरे हद हो गई है यार, पर्सनल, अरे इंस्टाग्राम पे था, इट्स अबाउट द मूवी, नॉट अबाउट माय मैरिज, प्लीज, इट्स अबाउट द मूवी, नो नो, आई विल स्पीक ऑन माय मैरिज, प्लीज। अच्छा ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी, ओके ओके, डोंट गेट अपसेट, आई एम नॉट अपसेट, आई एम जस्ट करेक्टिंग, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट यू, यू डिड सो मेनी टाइम्स, ओके, यू डिड सो मेनी टाइम्स। देखिए, कहानियाँ कहने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, पूरा देश भरा पड़ा है टैलेंट से, राइटर से, ऐसे लोग जो बहुत सारी कहानियाँ, छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो कभी जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपनी कहानियाँ कहने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेब पोर्टल्स, जब से वेब प्लेटफॉर्म खुला है तब से सारे राइटर्स को, चाहे वो छोटे कहानियाँ लिखने वाले हों या बड़ी कहानियाँ लिखने वाले हों या एपिसोड्स लिखने वाले हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको अपनी कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है आज की डेट में, और बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश में ये खुला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात सिर्फ आगे ही बढ़ने वाली है, बहुत सारे
टैलेंट्स को मौका मिलने वाला है और हमारे जैसे एक्टर्स को और भी बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली हैं कहानियाँ करने के लिए, एक्ट करने के लिए, कैरेक्टर्स करने के लिए। देखिए, मेरा बैकग्राउंड रहा है टेलीविज़न और मुझे सब भाग्य विधाता गर्ल की नोन के ज़रिए जानते हैं एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो टेलीविज़न करते करते एक टाइप्ड हो जाता है इंसान, एक माइंडसेट एक हो जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन लक्ष्मी मैम के साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट का मैं हिस्सा बन पाई और इतनी फ्लॉलेस उन्होंने परफॉर्मेंस निकलवाई है मुझसे कि मैंने खुद देखा जब फिल्म, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यस आई कैन डू दिस। क्यों नहीं करना चाहेंगे? एक्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी को थोड़ी ना मना करेंगे, डेफिनेटली करना चाहेंगे। लेकिन अगर कुछ अच्छा वर्कआउट होता है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ और अगर डायरेक्टर को मुझ पे भरोसा है कि मैं कर पाऊँगी तो डेफिनेटली करूँगी। सीजन विद लव के अलावा आ रहे हैं, बातें चलती रहती है, अब वर्कआउट हो जाए तो उसके बारे में बात करना मुनासिब रहता है। अभी फिलहाल इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट एनी ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। सर, क्या आने वाला है इसके बाद में? मेरी अभी दो हिंदी फिल्म्स मैंने कंप्लीट करी हैं जो रिलीज़ होंगी इस साल और एक साउथ की फिल्म है, तमिल फिल्म, जो मैंने प्रभु देवा के साथ ख़त्म की है। तो ये तीन चीज़ें तो अभी रिलीज़ होंगी और एक और शॉर्ट फिल्म मैं करने जा रहा हूँ अभी। एक हैदराबाद के डायरेक्टर हैं जो वहाँ के थिएटर बैकग्राउंड से हैं, बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हैं वहाँ पे, ब्रॉडवे कॉन्सेप्ट के शोज़ करते हैं, उनके साथ मैं एक शॉर्ट फिल्म करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, इसी महीने के एंड में। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, लास्ट वीक क्या कहना चाहिए आपके फैंस से? मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ हमारी शॉर्ट फिल्म सीजन विद लव कल रिलीज़ हो रही है और प्लीज़ अपना प्यार हमें दें, बिकॉज हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से ये फिल्म बनाई है। हर एक्टर यही बोलता है, बट मैं जानता हूँ कि हर एक्टर के दिल में क्या होता है जब वो ये बोलता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो उसको बार बार देखिएगा। सीजन विद लव इज़ द नेम ऑफ द फिल्म, डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी अय्यर। थैंक यू सो मच। सीजन विद लव के लिए मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया रिलीज़ है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यूज़ बहुत बहुत मैटर करते हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ देखिए और आपको अच्छा लगेगा, डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे आप। सो दैट्स इट, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये लक्ष्मी की लास्ट दो फिल्मों में मैं था। एक तो ऑफ़ कोर्स लक्ष्मी, और मतलब लक्ष्मी की पर्सनल ऑटोबायोग्राफी थी, विच वॉज हर स्टोरी ऑफ हर रिलेशनशिप एंड हर फादर अप्पा, जिसमें मैंने टाइटल रोल किया था। उसके बाद रॉन्ग मिस्टेक, जिसमें सुशांत और अचिन थे और मैं था। मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो तीनों अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, सुधांशु हो, रिचा हो, और कैमरा वर्क और जो ट्विस्ट है एंड में, जिसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं अभी, मुझे वो ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा। और आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि इस फिल्म के बारे में लक्ष्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, ना सुधांशु ने, ना फ्लोरा ने। तो जब मैंने देखा, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे अच्छी लगी, मतलब वाकई अच्छी लगी। नॉट बिकॉज लक्ष्मी दोस्त है हमारी और सुधांशु, फ्लोरा और रिचा हमारे कोलीग्स और दोस्त हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगी, वाकई अच्छी। किस इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं यार? इनफिडेलिटी ऐसी चीज़ है कि, और मतलब कमाल की बात यह कि दे हैव यूज, जो बेस उन्होंने यूज़ किया है ना, मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं क्योंकि वो थ्रिल निकल जाएगी दर्शकों के जो मन में है इस फिल्म के लिए। इनफिडेलिटी है, जब तक इंसान, इंसानियत, इंसानी फितरत, इंसानी डिज़ायर्स हैं तो ये तो रहेगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको मैं मॉरलिटी इशू नहीं कहता हूँ, कि अगर आप फील करते हैं किसी के बारे में और अगर आप वो एक लक्ष्मण रेखा आप लांघना चाहते हैं और लांग लिए आपने, तो आप कीजिए, मतलब उसके बाद जो उसका रेपरकशन है वो आपको ही झेलना पड़ेगा। अभी एक मेरी शॉर्ट फिल्म है पिंक फाइल, जो अभी अमेजोन UK पे गई है, और मतलब एक्टर हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑफर होता ही रहता है, मतलब चाहे ऐसा हो या कुछ पॉलिटिक्स को रिलेटेड हो या कुछ रिलेशनशिप को रिलेटेड हो, और आएगी तो क्यों नहीं करूँगा। भाई
डिसाइड कर दो शॉर्ट या लॉन्ग या बराबर जी सीजन विद लव आई थिंक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है ऑन इनफिडेलिटी जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में एंड इट्स नॉट दैट आई मीन एक्चुअली रिलेशनशिप्स आर वेरी सिंपल हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं और किसी के भी प्रस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उनकी लव स्टोरी परफेक्ट होती है चाहे वो वाइफ हो हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड हो जो जिसको पता है कि मैं किसी का घर तोड़ रही हूँ बट फॉर हर यू नो लव का कोई कंडीशंस नहीं होते हैं कि आप कब कहाँ किससे क्यों प्यार में पड़ जाएँ दीज आर जस्ट फीलिंग्स सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी विच टेल्स यू कि आप लव नीड्स टू हैव ऑनेस्टी नहीं तो things can go awfully wrong and another good thing about the story is it's about women empowerment wo zamane gaye jab you know women used to be are bichari move on this is a tale about one strong woman who decides to hello you spoil my life look what I'll do to you so that's what I love about the story okay jee kirdar ke bare mein kuch bataiye is tarike se aap play kar rahe hain jo ji ah so I play the girlfriend and किस तरह से मुझे तो लगता है बहुत ही क्यूट सी स्वीट सी सिंपल सी स्टोरी है हमारी ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग ट्विस्ट टू इट विच इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी सुधांशु रिचा एवरीबडी टूवर्ड्स दिस स्टोरी एंड मैं ये वाकई दिल से मानती हूँ कि इनफिडेलिटी इज़ नॉट नॉट अ गुड थिंग अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं कनेक्टेड हैं कमिटेड हैं सो आई थिंक यू शुड मेक दैट वर्क देन टू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समबडी एल्स तो जो भी होता है इनमें आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है जी जी काफ़ी बोल्ड लगता है आपको मेरे मुझे तो लगता है गंदी बात से बहुत ज़्यादा कम बहुत कम यू नो देर इज़ नो कंपेरिजन गंदी बात इज़ एन एरोटिक स्टोरीज ऑफ रूरल इंडिया सो दैट वॉज द डिमांड ऑफ दैट स्टोरी ये स्टोरी आई थिंक बोल्डनेस इज़ नॉट द स्टोरी लाइन इट इज़ इनफिडेलिटी चीटिंग एक रिश्ते में धोखा देना किसी को और वो आप कैसे बताओगे यू नो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो दिस हैज़ टू बी हम वो ज़माने में तो है नहीं कि वो फूल झड़ा के हम दिखा सकें बट आई थिंक दिस इज़ वेरी मच डिमांड ऑफ द स्टोरी दिखाने के लिए कि हस्बैंड चीट कर रहा है और सिर्फ वाइफ को नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप बीच में देयर इज़ अ डायलॉग वेयर शी सेज़ कि अरे बीच में देयर इज़ अ टाइम वेयर ये भी पता लगता है कि ही इज़ चीटिंग एवरीबडी ही इज़ चीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल सो आई थिंक गंदी बात से तो कोई कंपैरिजन है नहीं पर मुझे लगता है इस स्टोरी लाइक एज एन एक्टर मैंने गंदी बात के टाइम पे भी यही इंटरव्यूज़ में बोल रही थी कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर देयर वेरी स्टोरीज दैट एक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ जैसे रोना है हंसना है गुस्सा होना है वैसे ही यू नो दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन एंड अगर आप फॉरेन फिल्म्स देखते हैं थैंक यू या अगर आप फॉरेन फिल्म्स देखते हैं यूरोपियन फिल्म्स देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी एंड द लॉजिक ऑफ यू नो टेलिंग द स्टोरी इन द वे वी हैव मैं दो चीज़ों का याद रखती हूँ एक तो स्टोरी जैसे जब मैंने स्त्री भी की अगर आप स्त्री में मेरी शक्ल नहीं दिख रही है
तो नॉर्मली तो लोग मुझे ये बोलेंगे यार तुमने वो किया क्यों, जो लोगों ने बहुत पूछा, पर मैं ऐसा मानती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट द फैक्ट दैट आई डिड स्त्री. एंड मेरे लिए रीजंस ऑफ चूजिंग स्त्री वर जस्ट टू, माय डायरेक्टर एंड द सेकंड वाज द स्टोरी इन टोटैलिटी. मैंने हमेशा माना है यू नो कि एक कहानी जब अच्छी होती है एंड एज एन ऑडियंस इफ़ यू लाइक द स्टोरी दैट यू हियरिंग, तो ये तो गारंटीड है क्योंकि हम भी ऑडियंस हैं. अगर हमें पसंद नहीं आएगी तो ऑडियंस को कैसे आएगी. तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहानी सुने आपको वो कहानी पसंद आना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको पसंद आ गई तो ऑडियंस को भी पसंद आएगी. एंड अगर वो फिल्म चलती है ना तो सबका फ़ायदा होता है. अगर आपको याद हो दबंग में छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक भैया जी स्माइल, वो डायलॉग कितना चला. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, आई थिंक राजपाल यादव जब वो जंगल में थे. तो मैं तो ऐसे दिल से मानती हूँ कि जब फिल्म चलती है तो हर किसी का फ़ायदा होता है. अगर आपने टाइटैनिक देखी हो, टाइटैनिक में एक ओल्ड लेडी है स्टार्टिंग में जिनकी से कहानी शुरू होती है. सोचो हम सबको वो याद है आज, एक और लेडी है, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स हमको टाइटैनिक के याद हैं. सो मैं दिल से मानती हूँ कि जब कहानी चलती है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना किरदार तो देखें पर उससे पहले ये देखें कि कहानी कैसी है. अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो यू शुड नॉट लेट गो. और इसी के साथ फिल्म जिस तरीके से हमने आपको फिल्म में देखा है जी, वेब पे देखा है हमने आपको, नाउ इन शॉर्ट फिल्म, अगर पर्सनली अगर आपकी अगर बात करें तो आप खुद को कहाँ पे ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करती हैं? सी एज एन एक्टर मीडियम डजंट मैटर. मैंने मेरे साई भी किया है, मैंने स्त्री भी किया है एंड आई हैव इन्जॉयड ऑल द थ्री, ऑल द मीडियम्स, बीट टी वी, बीट द बिग स्क्रीन और द वेब शॉर्ट फिल्म अभी. सो एज एन एक्टर हमारा काम नहीं चेंज होता है. सो आई हैव इन्जॉयड माई स्टोरी, द प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, नो मैटर विच स्टोरी आई हैव डन. There's Inside Red Season 2 coming up. There's City of Dreams with Nagesh Kuknur. There is Red Land with Gemplex. That will be coming out soon. Okay, so kis tarike ke kirdar mein dekhenge hum apne aap ko? Inside Red. This time things are getting hotter. I think wo jab release se pehle thoda hum uske bare mein baat, but things are going to be really hotter this time. Hotter in the sense, things have gone really big. Yeah. Thank you. Very, very nice. I really loved it. And I'm obviously biased also because Sudhanshu's in it. And I'm very glad. He's done a fantastic job. Very nice twist in the end. I think especially in a short film like that, you need that. And I mean, a good-looking, talented guy is there. So I loved it. He's just been very kind. Yeah, topic is very... what is the current topic? Current topic? Yes, Sudhanshu. I don't know if it's current, but I think it's always been there. Yeah. And it's there currently, it'll be there in the future, it has been there in the past. Toh mujhe aisa lagta hai ki this is, like I was saying earlier, it has been there for ages. So infidelity is something that is not new. I think it's a part of human psychology, part of human nature to get into these kind of situations. And how you handle it, there are different people who react to it differently. There are different women who react to it differently. Men also react in a certain way. But obviously there'll be huge difference in the opinions. And obviously as you saw in this film, which I can't reveal right now because it's releasing tomorrow, I think, this is a very, very different sort of a take. It's obviously on the darker side, it's not on the brighter side. But there'll always be different takes on this, and somebody like Lakshmi Iyer, who thinks slightly differently, will make a film like this, and, you know, obviously it's in the darker zone. Rest, I don't know, Samir? No, I think what he said is absolutely correct. I think this is the kind of topic which has been around for a long time. और सबका अपना टेक रहता है. एंड आई थिंक जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो ऑडियंस होगी, दे विल रिलेट टू ईच वन ऑफ द कैरेक्टर्स, बिकॉज किसी न किसी टाइम पे अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे मोड़ पे होंगे कि ऐसा हुआ होगा या हो सकता होगा या आपको पता होगा ऐसा हुआ है.
So I think everyone's going to relate to Sudhanshu's characters and Richa's and Flora's. So I think they're done a fabulous job. Okay, personally, if you talk about the three characters, you're the most brilliant character. Who's your favorite character? No, you can be honest. No, of course, Sudhanshu. I'm sorry. But no, obviously, because, you know, I've known him for a very long time. I think we go back, what, 15, 20 years. और मैं जानता हूँ ये क्या कर सकते हैं उनका टैलेंट क्या है एंड लुक्स एंड ही इज गुड वट एवर ही डज वेर एवर हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज सो गुड अगर कुछ भी नहीं करें कैमरे के सामने आते हैं तो यू फील लाइक वॉचिंग सो आई थिंक सॉरी टू द गर्ल्स थैंक यू सॉरी टू द गर्ल्स बट आई वुड से सुधांशु वॉज द बेस्ट पार्ट देखिए अगले महीने पता लग जाएगा आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छा है प्रेशर भी है काफ़ी क्योंकि फर्स्ट पार्ट वन से कंपैरिजन होगा तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो कि वो एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है कि नहीं ओनली टाइम विल टेल ऊपर वाले की मेहरबानी आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द एक्यूलेट्स मैंने ट्रेलर देखा और उसकी शुरुआत ही इनकी आवाज़ से है और तो लाइक ही सेड आई यू नो वी आर पीपल विद अ फ्यू ट्रू फ्रेंड्स सो वील ऑलवेज बी बायस टूवर्ड्स देम तो जो भी होगा हमें अच्छा ही लगने वाला है बुरा तो लगेगा नहीं और मुझे इतना मालूम है कि समीर इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी फाइन एक्टर इज़ वेरी सीनियर एंड वेरी फाइन एक्टर एंड आई थिंक ऑल्सो नाउ ही इज़ इवॉल्व्ड लॉट मोर एज एन एक्टर ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर नाउ ही इज़ डायरेक्टेड अ वेरी ब्रिलियंट फिल्म सो ओवरऑल आई थिंक यू कांट गो रॉन्ग विद समबडी लाइक समीर सोनी सो बहुत बहुत बड़ा बोल दिया क्या सुनने में आपको देखिए पता नहीं सुने मुझे भी आया कि वो बना रहे हैं मगर अभी तक मुझे फ़ोन नहीं आया है अभी तक पता नहीं मुझे मगर होपफुली जो रिएक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक होगा मगर इवन ओनली बाला ऑल्ट बालाजी और विकास वट नो बट थैंक यू वेरी मच हाँ जी आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको लग रहा है कुछ अलग है क्योंकि आइडिया ये वही था जब तक ऑडियंस ये चीज़ ना बोले तो आपको सक्सेस फील नहीं होता आई थिंक जितने भी लोग आए उन्होंने कुछ नया है और वो जो चीज़ मैंने ट्राई की कि होनी चाहिए सबको लग रहा है आई एम वेरी हैप्पी हाँ जी सिर्फ मेरी लास्ट फिल्म का नाम सीजन ही दूसरा टाइप का तो सीजनिंग जो होती है ना हम लोग स्पाइस डालते हैं फिर तड़का डालते हैं वाली सीजनिंग है ये सो लास्ट फिल्म का नाम रॉन्ग मिस्टेक था पीपल लव द टाइटल जब फिल्म देखी उन्होंने सेम वे सीजन विद लव का भी एक एस्पेक्ट है कोई रीज़न है क्यों टाइटल है फिल्म आप जब देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट टाइटल है आई थिंक वो एक स्ट्राइक होती है परफेक्ट स्टोरी के ऊपर टाइटल एंड दिस इज़ द बैंग ऑन टाइटल फॉर दिस फिल्म आई फील करती हूँ तो मैं पहले से अपने इमेजिन करती हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा सो मेरे दिमाग में कैरेक्टर्स होते हैं ऑलरेडी सो आई थिंक मैंने जिसको भी अप्रोच किया इफ इट वॉज नॉट अ डेट प्रॉब्लम एवरीबडी अग्रीज टू द स्क्रिप्ट कि जो मेरी सक्सेस है एज अ डायरेक्टर वो स्टोरीज अगर एक्टर्स को पसंद आए और शॉर्ट फिल्म बहुत कम एक्टर्स करते हैं सो आई एम जस्ट ग्लैड एंड हैप्पी बस मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब अलग ही मज़ा आ गया मुझे काम करने में आपका कैसा ग्रेट एक्सपीरियंस और मैम का जो भी राइटिंग स्किल्स हैं जो भी डायरेक्शन स्किल्स हैं वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे एंड प्लीज़ मस्ट वॉच दिस फिल्म और ये कल रिलीज़ हो रही है 11 बजे हंगामा पे प्लीज़ सुबह आप लोग प्लीज़ इसको देखें और प्लीज़ अप्रिशिएट करें थैंक यू सो मच इसी के साथ में मेरा सवाल एक और भी मतलब काफ़ी जिस तरीके से ये कहानी जो है काफ़ी चर्चित है मतलब जगह जगह इसकी बातें होती है हाँ जी सर देखिए अफेयर्स क्यों आया मतलब क्यों लगा कि देखिए जब स्टोरी इनिशियली आई थी तो यही एंगल था अफेयर का एंगल था अफेयर चाहे लोग माने या ना माने मतलब इट इज़ ऑलवेज देयर और सबकी लाइफ में ग्रे साइड होता है 10 में से 9 लोगों की लाइफ में अफेयर चलते हैं कभी साइलेंट होते हैं कभी बोल बात कर लेते हैं कुछ लोग पकड़े जाते हैं कुछ लोग नहीं पकड़े जाते हैं कोई कन्फेस नहीं करता तो बहुत इसके लेयर्स हैं तो कौन क्या करेगा इसमें कोई परफेक्ट इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मेरे के साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा आई थिंक यही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर कोई सिचुएशन में फंस जाए जहाँ गर्लफ्रेंड भी हो वाइफ भी हो तो क्या करेगा एक आदमी तो हर आदमी का जवाब अलग होगा ऑब्वियसली उसकी हालत ख़राब होगी उसके बाद क्या होता है वो स्टोरी है सो आई थिंक अफेयर्स इज़ वेरी नॉर्मल बट इस स्टोरी में कुछ नया है कि क्या हो सकता है कि क्या हो नहीं सकता मीन द होल थिंग ऑफ इफ़ यू हैव एन अफेयर डोंट एज्यूम थिंग्स कि ये हर चीज़ की फिनिशिंग सेम नहीं होती है तो इसमें जो एक स्वीट वाइफ हैं उनको मालूम पड़ता है तो वो स्वीट रहती है नहीं या स्पाइसी जो गर्लफ्रेंड है वो स्पाइसी रहती है नहीं वही स्टोरी है आई थिंक दे लव द एंडिंग बिकॉज द क्लाइमैक्स या सो द मूवी इज़ वेरी स्मूथ एंड सिंपल इन द बिगिनिंग बिकॉज इज इज होल्डिंग यू अबाउट रिलेशनशिप्स बट टुवर्ड्स द एंड इफ इट्स होल्डिंग यू अब द फिल्म जब आदमी खत्म करता है अगर देखने के बाद बोले यार मज़ा आया
तो आई थिंक फिल्म का अपना सक्सेस वैसे ही हो गया. या थैंक यू. इसी के साथ में और क्या आने वाला है? अभी मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी है बहुत प्यार से, उसको भी मैं जल्दी में नहीं करना चाहती. दे आर ऑल्सो अवेयर, इट्स कॉल्ड पिंक ऑटो. इसको बहुत पसंद है वो स्क्रिप्ट, जिसमें कि चार ऑटो ड्राइवर्स हैं, एक लड़की अनोखी और तीन और ऑटो ड्राइवर्स हैं, और एक जर्नी है उनकी और बिल्कुल अलग है और बहुत ही उसमें सस्पेंस तो नहीं है बट अलग एलिमेंट, अलग ही टाइप का है. इट्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग फिल्म. तो वो भी इसी साल आई थिंक होपफुली रिलीज हो जाएगी. अमित जी के साथ तो अभी कास्टिंग नहीं की उसके अभी तक. आई जस्ट गॉट इट राइट. अच्छा अच्छा, उनको भी पता है. अभी कास्टिंग शुरू नहीं की उसके, हम राइटिंग मैंने खत्म कर लिया, कास्टिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. हाँ जी. और इसी के साथ में क्या कहना चाहेंगे? टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ 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 वॉच आर फिल्म मेड विद लॉट ऑफ लव कॉल सीजन विद लव ऑन 16 अप्रैल ऑन हंगामा प्ले एंड यूट्यूब बोथ. आपको शायद बहुत मजा आएगा. और प्लीज़ अपनी जिंदगी के 16 मिनट कल और इस पूरे हफ्ते शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और देखिए फिल्म. थैंक यू.